अटैक से पीड़ित महिलाओं को हरियाणा सरकार का तोहफा, 8000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता देगी हरियाणा सरकार। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 22 जून को बुलाई हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। सीएम मनोहर लाल समेत कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। एक बार फिर हरियाणा सरकार के सर्कुलर पर उठे सवाल। अधिकारियों को दी गई गाइडलाइंस, जब दौरे पर आए सांसद तो अधिकारी खड़े होकर करें उनका स्वागत। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन आज, दिल्ली से हरियाणा तक जन्मदिन की धूम। भिवानी में यूथ कांग्रेस ने निकाली मैराथन। राहुल गांधी के जन्मदिन पर हुड्डा और तंवर समर्थकों के बीच छिड़ा पोस्टर वॉर। तंवर समर्थकों ने हुड्डा की जगह लगाया राहुल गांधी का पोस्टर। पूर्व विधायक बीबी बत्रा का तंवर समर्थकों से हुआ विवाद। राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस के घर घर कांग्रेस अभियान पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ली चुटकी। कहा, कांग्रेस ने पहले देश को लूट कर खाया, अब लोगों को लूटने की तैयारी में। हरियाणा कर्मचारी आयोग ने किया पुलिस भर्ती के लिए होने वाले पेपर में बड़ा बदलाव। अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी परीक्षा। भर्ती आवेदन की भी बढ़ाई गई तारीख, 2 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। भिवानी में अधर में लटका सैकड़ों खिलाड़ियों का भविष्य, 2 महीने बीतने के बाद भी नहीं मिली ग्रेडिंग सर्टिफिकेट। खिलाड़ियों ने खेल अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। जोरों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां। भिवानी और महेंद्रगढ़ में पायलट रिहर्सल। योग दिवस को ऐतिहासिक बनाने में जुटा प्रशासन। और पंचकूला में कंप्यूटर टीचर्स और लैब सहायक फिर से करेंगे प्रदर्शन। पिछले 22 दिनों से कर रहे हैं धरना प्रदर्शन।